वेलकम टू सारिका स्टडी अकेडमी। तो आज क्लास 6 का कर्नाटक स्टेट बोर्ड यूनिट 4 इंग्लिश का इस वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें प्रोज है यूनिट 4 का, फ्रेंड्स इन नीड, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। तो इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले ग्रोसरी देख लेते। सैक, होली मैन, मंत्र, अ होली सेइंग, इनवोक टू मेक अ रिक्वेस्ट स्पेशली टू गॉड, ग्लोरी, ग्रेटनेस, वंडर, सरप्राइज्ड, सप्रेस्ड, डिस्टर्ब, गॉट कन्फ्यूज्ड, फॉन्डल, शो लव, परस्यूट, टू ट्रीट समवन क्रूएल, हरी, मूव क्विकली, हैवी हार्ट, सैड, रेस, ब्रिंग अप, लेविश, गिव समथिंग जेनरसली, रिबेक, स्कॉल्ट। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कम लेट्स अस टॉक अबाउट दिस स्टोरी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, से टू योर पार्टनर द बॉय और द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू whether the following ideas are true or not true, quote word from the text to justify your answer. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंती वॉज हैप्पी आफ्टर बिगेटिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, नॉट ट्रू। ठीक है, कुंती विथ अ हैवी हार्ट प्लेस द बेबी इन अ बास्केट एंड सेट इट अफ्लोट ऑन द रिवर गंगा। बी, इट वॉज द पांडवास हु डिड नॉट ट्रीट कर्ण काइंडली, ट्रू। वेन कृपा चैलेंज्ड कर्ण टू रिवेल हिज परसेंटेज एट द टूर्नामेंट, भीम फ्लक हॉट वर्ड्स एट कर्ण एंड दुर्योधन बी फ्रेंडेड कर्ण। सी, कुंती वॉज राइट इन आस्किंग कर्ण टू जॉइन द पांडवास, ट्रू। आंसर इज ट्रू, कुंती सेड इट इज द पांडवास यू शुड लीड, नॉट दुर्योधन्स आर्मीज, लीव देम, कम नाउ, जॉइन योर ब्रदर, डिफेंड देम अगेंस्ट द कर्णवास, माय हार्ट हैज बीन हैवी विथ इन मी ऑल दिस इयर्स, ब्रिंग मी पीस नाउ। डी, कर्ण वॉज सेड बट ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइट ऑन हिज फ्रेंड्स साइड, द आंसर इज ट्रू, कर्ण सेड दुर्योधन गेव मी वेल्थ ऑफ किंगडम, पावर, आर्मीज, मोर देन दैट ही गेव मी फ्रेंडशिप, अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, वुड आई नॉट बी अ ट्रीटर एंड अ चीट इफ आई डेजर्टेड हिम नाउ। क्वेश्चन टू, स्पीक टू योर पार्टनर अबाउट द पॉइंट्स रेस्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट डाउन वॉट यू से। फर्स्ट वन, वॉट हैड दुर्वासा टॉट कुंती, द आंसर इज सैक दुर्वासा हैड टॉट कुंती अ मै मंत्र, इट वॉज अ सीक्रेट वॉज टू इन्वोक द गॉड, वेन इन्वोक दे वुड अपियर बिफोर हर एंड ब्लेस हर विथ सन इक्वल टू देम सेल्व्स इन ग्लोरी। क्वेश्चन टू, हुम डिड कुंती इन्वोक, द आंसर इज कुंती इन्वोक्ड सूर्या द सन गॉड। सी, वॉट वॉज कुंती ब्लेस्ड विथ, द आंसर इज कुंती वॉज ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड हु वुड प्रूव टू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हीरोज। डी, वॉट डिड कुंती डू विथ द चाइल्ड, द आंसर इज कुंती प्लेस द बेबी इन अ बास्केट एंड सेट इट अ फ्लोट ऑन द रिवर गंगा। ई, वाई वॉज कुंती डिस्टर्ब्ड, द आंसर इज द पांडवास वुड फाइट अगेंस्ट द कौरवास एंड कर्ण वॉज ऑन दुर्योधन्स साइड, कर्ण वॉज फाइट अगेंस्ट हिज ब्रदर्स, सो कुंती वॉज डिस्टर्ब्ड। एफ, When did Kunti meet Karna to reveal the truth? The answer is Kunti met Karna on the bank of the
Ganga where he was praying in the morning. G. Why did Karna refuse to leave Duryodhan? The answer is, when Krupa challenged Karna to reveal his parentage and when Bhim Phalak got words at Karna, it was Duryodhan who befriended him and gave him wealth, a kingdom, power, armies. More than that, he gave him friendship, a lifelong friendship. So Karna refused to leave Duryodhan. H. What did Kunti plead with Karna? The answer is, Kunti pleaded, thus it is the Pandavas, you should lead, not Duryodhan's armies, leave them, come now, join your brothers, defend them against the Kauravas. First, did Karna become a traitor? The answer is no, Karna did not become a traitor. Third question, discuss with your friends and write down the answer to the following question in 2 or 3 sentences each. First question, what did Krishna tell Kunti? The answer is, war is near. Krishna said, your sons will fight against their cousins. There will be much bloodshed. Next question, why did Karna come to dislike the Pandavas? The answer is, Karna came to dislike the Pandavas because Bhim Phalak hot words at Karna at the tournament where Krupa challenged Karna to reveal his parentage. Question C, how did Duryodhan help Karna? The answer is, Duryodhan gave Karna wealth, a kingdom, power, armies. More than that, he gave Karna friendship, a lifelong friendship. Question 4, read the following lines, discuss with your friends and answer the questions that below. First question, what would I not be a traitor and a cheat if I deserted him now? First, who is the I? The answer is, I is the Karna. Second, who was this person speaking to? The answer is, Karna was talking to Kunti. Third, what was the answer? The answer is, Kunti had no answer. B, it is the Pandavas, you should lead, not Duryodhan's armies, leave them. In first question, who said this? The answer is, Kunti said this. Second, to whom was it said? The answer is, it was said to Karna. Third, why did she say this? The answer is, she said this because Karna was her son. C, your sons will fight against their cousins. There will be much bloodshed. In first question, who does the phrase your sons refer to? The answer is, your sons refer to the Pandavas. Second, who said this? The answer is, Krishna said this. Second, third, who will fight against whom? The answer is, Kauravas would fight against the Pandavas. Question 5. The word in the box given below means a large number of. For example, a shoal of fish refer to a large group of fish swimming together. Discuss with your friends and complete the following phrases with suitable words from the box. यहाँ पे आपको phrases दिए, तो हम direct answer देख लेते. A pose of constable. Second, a galaxy of star. Third, a swarm of bees. Fourth, a group of people. Fifth, a giggle of girl. Sixth, a parliament of owls. A parliament of owls. Seven, a flight of step. 8. A fleet of ships. 9. A bundle of sticks. 10. A bunch of keys. 11. A colony of ants. 12. A pride of lions. Question 6. Strike of the words in the box below that are not suitable. The answer is, Karna made a choice, not a desert, the Kauravas to join the Pandavas. This shows that he held duty, honor, and friendship above everything else.
थॉटफुलनेस, हार्डवर्क, हॉनर, काइंडनेस, ड्यूटी, इफिशियंसी, हॉनेस्टी, फ्रेंडशिप, प्राइड. फोकस ऑन ग्रामर, प्रेपोजिशन. ग्रामर्स के क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन 7, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, कुंती सैट ऑन द बैंक ऑफ रिवर एट कर्ण एज ही स्टूड इन द रिवर मेडिटेटिंग ऑन सूर्य. बी, कर्ण केम अप फ्रॉम द रिवर एंड टच कुंतीज फिट. सी, यू लुक वेरी मच वरिड ओ गॉ ओ ग्रेट वन, यू हैव नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, सेड कर्ण. डी, आई विल डू वॉट एवर आई कैन फॉर यू, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू. राइटिंग. 9, डू यू वॉन्ट योर फ्रेंड्स टू नो यू बेटर, देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ. यू कुड राइट अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ वाइसिस और चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. फर्स्ट, ए, योर एम्बिशन. द आंसर इज, माई एम्बिशन इज टू स्टडी वेल एंड बिकम अ टीचर. आई वॉन्ट टू एजुकेट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया. आई वॉन्ट टू फुलफिल डॉक्टर कलाम्स ड्रीम्स टू सम एक्सटेंट. बी, थिंक यू इंजॉय डूइंग मोस्ट. द आंसर इज, आई लाइक टू माइंड द क्लास. वेन देयर इज नो टीचर इन द क्लास, आई लाइक टू टेल देम स्टोरीज एंड एंटरटेन देम विथ वर्ड गेम. हर्न द लेसन्स इन प्ले वे एंड गेट गुड मार्क्स. सी, योर हॉबी. My hobby is to collect pictures from magazines and newspapers on the theme natural calamities, paste those pictures and prepare a scrapbook and present that to the school library. Work with your partner and do the exercise given below. The Mahabharat is an epic of ancient India. In one part of this epic, a strange moment takes place between a mother and her son. It is heartbreaking to know of them, but the mother is determined to ask a favor of her son. The son sadly tells that he cannot oblige her. Read this story to find out why the mother must tell him. For the very first time, who she really is, what favor she asks of him, does she or does she not feel justified in asking the favor, and what the son tell her in return. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर.